वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मेरा नाम है आकृति राठौर और आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऐतिहासिक और एक काफ़ी पुराना मंदिर जो है खंडोबा टेम्पल जेजुरी। बहुत सारे लोग खंडोबा टेम्पल के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। सो आज आप मेरी वीडियो के थ्रू आज सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं खंडोबा टेम्पल जेजुरी के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रैवलिंग, कैंपिंग, एडवेंचर, हिस्टोरिकल, डिवोशनल, हर तरीके का ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है। सो गाइज, हम आ चुके हैं मंदिर में और सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं नंदी देव के साथ। और पंडित जी ने बताया कि आपको मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे नंदी भगवान की जोड़े में पूजा करनी पड़ती है, यानी कपल्स जो हैं वो साथ में यहाँ पे पूजा करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ चढ़ाई जाती हैं, उसके बाद हम आगे मंदिर में स्टार्ट करते हैं जाना। तो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि खंडोबा मंदिर है जो वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले में स्थित एक नगर है जेजुरी, वहाँ पर स्थित है। मराठी में इसे खंडोबाजी जेजुरी भी कहा जाता है। और खंडोबा का जो मंदिर है वो छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर मंदिर में पहुँचने के लिए आपको कम से कम 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। सो डोंट वरी, मैं आपको 200 सीढ़ियाँ नहीं चढ़वाऊँगी, लेकिन हाँ, आज हम रास्ते में ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो आज हम मंदिर की जो हिस्ट्री है कि किस वजह से खंडोबा टेम्पल का नाम दिया गया, किस वजह से ये मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और खंडोबा मंदिर का जो वास्तु है, जो इतिहास है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि खंडोबा टेम्पल पुणे ज़िले में स्थित है, तो अगर आप मुंबई से खंडोबा टेम्पल आना चाहते हैं तो आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो अप्रॉक्स 200 किलोमीटर्स रहेगा। अगर आप पुणे से आना चाहते हैं तो आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो 49 टू 50 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस रहने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने रास्ते में जब हम ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको पूरे आपके दोनों तरफ यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें, हर टाइप का पूजा का और हर तरीके का सामान भी मिलता है। और यहाँ पे कपल जो होते हैं वो, अब जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो अपनी वाइफ को उठा के सीढ़ियों से मंदिर पे लेके जाते हैं, एक ऐसी रिवाज भी है यहाँ पर। तो अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करिएगा। और वहाँ पे फोटोग्राफर्स भी हैं तो वो फ़ोटोज़ भी ज़रूर लीजिएगा, वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, मैंने भी लिया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे पूरा लेक व्यू दिखाई दे रहा है और आप पूरा कंप्लीट जेजुरी जो नगर है उसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस पहाड़ी पे होने की वजह से इस हाइट पे आप सारा अमेजिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, अब जान लेते हैं खंडोबा टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में। तो ब्रह्मांड पुराण में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि दो राक्षस भाई थे, मल्ला और मणि, जिन्हें भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत अजय महसूस करते थे और इसी वजह से वो पृथ्वी पर लोगों को, संतों को बहुत परेशान किया करते थे, जिस वजह से भगवान शिव ने उनको, लोगों को उनसे मुक्ति दिलवाने के लिए खंडोबा रूप में अपने नंदी पे सवार होकर उनका श्रृंगार किया था। और जब उन्होंने उनका श्रृंगार किया था तो जो मणि था उसने भगवान खंडोबा को घोड़ा प्रदान किया था और मानव जाति की भलाई के लिए भगवान से वरदान मांगा था, जिसलिए खंडोबा जी भगवान जो थे वो, उन्होंने खुश होकर उन्हें यह वरदान दिया था। जबकि जो उनका दूसरा भाई दानव मल्ला था उसने भगवान से मानव जाति के विनाश का जो वरदान था वो मांगा था, जिस वजह से भगवान खंडोबा ने उनका सर काटकर मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था ताकि मंदिर में प्रवेश करते समय जो भी भक्त है उनके पैरों द्वारा उसे कुचला जा सके। तो ये था खंडोबा टेम्पल का एक इतिहास था। और मराठी में जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो उनके नाम के बाद बा,
राव या राया लगाया जाता है, इसलिए जो खंडोबा जी हैं उन्हें भीमखंड राय या खंडे राव के रूप में भी जाना जाता है। और कई लोगों के अनुसार जो खंडोबा नाम है वो भगवान जो भगवान शिव हैं, जो खंडोबा जी हैं, उनके हाथ में एक तलवार है जिसे खड़ग कहा जाता है, तो इस वजह से उनका नाम खंडोबा लिया गया। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंट्री है वो पूरा करके यहाँ पे आपको दो लाइंस मिलती हैं, आप एक फ्री में भी दर्शन कर सकते हैं और अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अंदर अब हम लोग मंदिर पे हमने दर्शन किया और वहाँ पे फोटो वीडियो अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने कोई फोटो वीडियो वहाँ का नहीं बनाया। और आप देख सकते हैं इस अमेजिंग व्यू को, ये अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और ऊपर से कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पर आ रहा है जो कि बहुत सुंदर था। सो गाइस, खंडोबा मंदिर का जो वास्तु है, तो वास्तु के अनुसार जो मंदिर के दो मुख्य रूप हैं, एक जो पहला भाग है उसे मंडप कहा जाता है, जहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं वो आकर वहाँ पे पूजा करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा भाग है जिसे गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ पे आपको खंडोबा जी की प्रतिमा विद्यमान है, जहाँ पे आप उनकी प्रतिमा देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, आपको हर तरफ मंदिर में सिर्फ हल्दी ही हल्दी दिखाई दे रही होगी, तो हल्दी का मंदिर में होना और हल्दी का इस्तेमाल होने का भी एक रीज़न है कि जब खंडोबा जब भगवान शिव ने खंडोबा राव का रूप लिया था, जब उन्होंने मल्ला और मणि का संहार किया था, तो जिस वक्त वो उनका संहार करने जा रहे थे तो उनका जो फेस था, भगवान का जो रूप था, वो एकदम सूरत सा चमक रहा था। तो जिस वजह से जब उन्होंने श्रृंगार किया उसके बाद से यहाँ पर मंदिर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्दी चढ़ाई जाती है भगवान को। यहाँ पे हर जगह पे आप भगवान की जो भी शिवलिंग है या जो भी आपको यहाँ पे प्रतिमाएं नजर आएंगी, वहाँ पे हर जगह पे सिर्फ हल्दी ही चढ़ाई जाती है भगवान को। और यहाँ पे इसी प्रकार से दशहरे के टाइम में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि दशहरा में यहाँ पे माना जाता है कि एक तलवार है जिसे कितनी कौन ज़्यादा देर तक उस तलवार को उठा सकता है, इस तरीके की भी काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें की जाती हैं। उसके अलावा भी जो भगवान हैं वो उन्हें उग्र देवता भी माना जाता है कई लोगों के अनुसार, तो जो भगवान की पूजा करने के जो कुछ नियम होते हैं वो भी बहुत सख्त हैं यहाँ पे। तो पूजाओं में ज़्यादातर भगवान को हल्दी, फूल और कई प्रकार का सामान भी चढ़ाया जाता है। और बेसिकली जो खंडोबा राव या खंडोबा भगवान जी हैं वो बच्चों के लिए, बच्चे और अगर किसी के मैरिज लाइफ में कोई इशू है उसे दूर करने के लिए भगवान का यहाँ पे लोगों द्वारा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान उस चीज़ के लिए आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। और मल्ला और मणि पर जो भगवान की जीत हासिल हुई थी जब उन्होंने उनका संहार किया था, और जो जीत उन्हें हासिल हुई थी उस जीत को मनाने के लिए यहाँ पर 6 दिवसीय मेला जेजुरी में मनाया जाता है और हर साल ये मेला होता है। और इस मेले को हिंदू महीने के दौरान मनाते हैं। और जो 6 दिन का जो ये मेला होता है, इसका जो लास्ट डे होता है इसको चंपा षष्ठी कहा जाता है, और इस दिन भगवान का व्रत किया जाता है और जो भी संडे या पूर्णिमा पड़ती है उसको दिन को शुभ माना जाता है और वहाँ पे लोग भगवान का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और उसी दिन यहाँ पर खंडोबा टेंपल में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हल्दी की होली खेली जाती है, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि अगर मैं उस वक्त में कभी पहुँच पाऊँ, अगर मेरा लक हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना आप देख सकते हैं, आप कभी सर्च करना तो आप देखोगे कि खंडोबा टेंपल की जो हल्दी वाली होली होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। इसी वजह से आपको मंदिर में हर जगह पे सिर्फ जो हल्दी है वही दिखाई देगी, जब आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे फ्लोर पे हर जगह पे। और जो हमें प्रसाद मिलता है, जो प्रसाद हम लोग लेते हैं, खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपको एक, जैसे आपने देखा मेरे हाथ में एक बैग है, उसके अंदर हल्दी है, और बाकी यहाँ पे आपको नारियल, और जो खंडोबा भगवान जी हैं उनकी दो वाइफ थी तो वो दोनों वाइफ का मंदिर है यहाँ पे, तो इसके लिए वहाँ पे आपको चुन्नी और साड़ी, बैंगल्स और नारियल के साथ भी दोनों जो माताएं हैं उनको चढ़ाने के लिए मिलता है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, पूरा पत्थर का बना हुआ है। और यहाँ पे इसी तरीके से भगवान की हर तरफ आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ दिखाई देंगी जहाँ पे आप आपके दर्शन कर सकते हैं।
और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मंदिर पे हर जगह पे हर भगवान के छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, और इसी तरीके से वहाँ पे भगवान को हल्दी अर्पित की जाती है, और सब जगह पे ही आपको हल्दी हल्दी दिखाई दे रही होगी। और ये देख सकते हैं आप, मंदिर में आपको जो भी दिखाई देगा वो सिर्फ हल्दी में लगा हुआ ही दिखाई देगा। और मेरे पीछे एक वो वहाँ पे जो खंडोबा महाराज हैं उनकी एक वाइफ का मंदिर था, और एक और वाइफ है उनकी, तो दो जो दो माता है उनका भी यहाँ पर मंदिर है, तो आप वहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी भी नहीं पता है इस बारे में कि ये भी एक दर्शन की ही चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका रीज़न क्या है और क्यों इसे किया जाता है। जब हम वहाँ पे गए थे तो ये सर हैं ये अपनी बेटी को करवा रहे थे, तो उसी वक्त जितने भी लोग खड़े हुए थे, शायद बहुत लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, सब ने नोटिस किया कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो एक बहुत मन में मुझे भी हुआ कि यार जो भी था, तो मैं भी थी वहाँ पे, तो इसलिए मैंने भी किया। और अगर आप लोगों में से कोई भी इस चीज़ के बारे में जानता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो हमने पूजा अभी जो भी हमने किया था, ये क्यों किया जाता है और इसको करने की क्या वजह थी। और जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो पूरा मंदिर है, यहाँ पर अंदर आपको एक पूरा बैठने का दिखाई दिया होगा, तो वहाँ पे हम लोग बैठते हैं और वहाँ पे ग्रिल्स लगी हुई हैं, तो आप थोड़ी देर मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और बाहर इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। एंड आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की। इसके अलावा भी मुझसे अगर कुछ भी मिस हो गया हो या आप कुछ भी जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड आई होप कि डेफिनेटली आपको वीडियो या मंदिर का इतिहास और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। और वीडियो के लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा हमारी कुछ अमेजिंग पिक्चर्स, वहाँ की कुछ मेमोरीज ज़रूर ऐड करती हूँ, तो उसे भी देखना मत मिस कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।